योग वशिष्ठ में भगवान रुद्र के रूप का बड़ा भयानक विवरण दिया गया है। वो देखते ही देखते कुछ ही पलों में समस्त ब्रह्मांड और उसमें उपस्थित सब जीवों को निगल जाते हैं। उनके बारे में लिखा है कि उनका शरीर केवल अहंकार स्वरूप है। भगवान रुद्र के इस विवरण पर कृपया प्रकाश डालें। रुद्र का नाम ही भयानक है। रुद्र है ऐसे। जब अर्जुन को ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ, विश्वरूप दर्शन देखा उन्होंने, सबसे पहले वो घबरा गया। बोला, बाप रे, पहले तो दूसरी तरह की घबराहट थी, ये ब्रह्मांड रूप को देख के और भी गहरा और गहरा होगी घबराहट। क्यों? वो छोटा अहंकार तब टूटने लगता है, अपनी सारी कल्पनाएं धूमिल होने लगते हैं, तो एक नया आयाम खुलने लगता है। तो जैसे एक बीज जब फूटता है तो अंकुर निकलता उसमें से, ऐसे ही एक विनष्ट और उसी में सृष्टि, ये प्रकृति का प्रकार है। इसलिए सर्वोच्च जो रूप है चैतन्य के, महादेव की, वो रुद्र रूप में ऐसे भयानक भी है, ऐसे देवी का भी है। जब भी कोई परिवर्तन होता है तब क्या होती है, एक पुरानी चीज़ें छूटने लगती है और हम पकड़ के बैठे रहते हैं जिस चीज़ को, वो छूटने लगती है, तो उस वक्त इस तरह का कुछ भयानक अनुभूति होती है। बस इतना ही है। मगर वैसे देखा जाए फिर रुद्र कल्याणकारी है, रुद्र शंकर बनते हैं। शंकर का अर्थ ही है सबका कल्याण करने वाले। आप देखो, डॉक्टर के पास जाके टीका लगाते हैं, वो सुई देखते ही बच्चे रोने लगते हैं, पर डॉक्टर का मकसद यही है कि बच्चों को ठीक ठाक करने का, डराना नहीं है। ऐसे अज्ञान से ज्ञान के ओर चलना, दरिद्रता से संपन्नता के ओर चलना, मृत्यु से अमृत्व के ओर चलने के लिए ये सब पड़ाव को पार करना पड़ता है। ऐसे पार करने वाले ही रुद्र हैं। और एक कहते हैं कि शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च, माने थोड़ा मोड़ा, छोटा मोटा उपकार नहीं है, बहुत बड़ा उपकार करने वाले शिव होते हैं। छोटी मोटी आनंद नहीं है, अद्भुत आनंद प्रदान करने वाले शिव होते हैं। तो शिव रुद्र तांडव भी करते हैं, और वो रुद्र तांडव जब समझ में आता है वही आनंद तांडव में बदलता है, वही सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप वही रुद्र है। मर वो हाँ, अज्ञान के लिए भयानक और ज्ञान के लिए वरदायक होते हैं।